वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत। अब उसमें नाम से समझ में आ रहा है किसके लिए दिया गया, ये कोऑर्डिनेशन के लिए दिया गया है ना, यानी उप सहसंयोजक के लिए दिया गया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, बताया था ना मैंने, एक बार और मैं हल्का सा उसको बता देता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, तो हमने कहा कि सपोज हमारे पास में एक NH3 है, क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि NH3 के पास में एक लोन पेयर होता है, यानी अमोनिया के पास लोन पेयर होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपने क्या कहा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन ही किसके, हाइड्रोजन के। यानी आप देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में भी यानी इसके साथ साथ इसके पास में क्या, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। हम आए बोरान ट्राइफ्लोराइड के पास में, ठीक है। बोरान ट्राइफ्लोराइड में बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है ना। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने लिखा 1, 2, 3, ठीक। और फ्लोरीन ने भी कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां पर रख दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, होना कितने थे 8, हो कितने गए 6। अब ये कह सकते हैं कि यहां पर होना 8 थे, हो गए 6, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कह सकते हैं। हिंदी में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या इसके पास कमी। अब इसको लगा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है जो कि जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो नाइट्रोजन कुछ देर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, बोरॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक आपको एरो वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंद कहते हैं, क्लियर ना। इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंद कहा जाता है। और इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ऊपर वर्नर ने एक कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी है। अब उन्होंने क्या थ्योरी दी है, उस थ्योरी के ऊपर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। देखो इस पूरे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट का नाम है उसकी बात करें तो इनका नाम नोट कर लो जिसके ऊपर थ्योरी है, अल्फ्रेड वर्नर। इनका नाम क्या है, अल्फ्रेड वर्नर इनका नाम है। उन्होंने थ्योरी कब दी थी, तो 1893 में इस थ्योरी को उन्होंने दिया था, 1893 में उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और लास्ट में आकर एक पॉइंट और नोट कर लेना, सन 1913 में इनको इस थ्योरी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज इनको 1913 में मिला था, किसको, अल्फ्रेड नोबेल को। अब उन्होंने थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड दी थी उसकी तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू टाइप की वैलेंसी होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की संयोजकता होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू टाइप की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी को उन्होंने नाम दे दिया प्राइमरी वैलेंसी, क्या नाम दे दिया, प्राइमरी वैलेंसी, नोट कर लो, हिंदी में लिखते हैं इसको प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। और दूसरा जब उन्होंने कहा तो उसका नाम उन्होंने दे दिया सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, हिंदी में कहें तो द्वितीयक संयोजकता। तो इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें टू टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी संयोजकता कैसी होती है, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी प्राथमिक संयोजकता किसी भी कंपाउंड में, वो क्या हो सकता है, इस प्राथमिक संयोजकता उन्होंने कहा था इसको आयनिक संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक वैलेंसी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, आयनिक संयोजकता या फिर आयनिक वैलेंसी कहते हैं। दूसरी इसको अनआयनित, क्या कहेंगे इसको, अनआयनित संयोजकता या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहेंगे। तो दूसरी क्या कहलाएगी, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, पहली आयनाइजेबल वैलेंसी और दूसरी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। अब बात करते हैं इसकी पहचान होगी कैसे, इसको इसका पहचानने का तरीका क्या है कि भैया प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो ध्यान रखे, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं पहले, तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे,
और सेकेंडरी बैलेंस शीट को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए, एक ये भी नोट कर लो, ठीक है। प्राइमरी बैलेंस शीट को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सॉलिड बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस शीट को सॉलिड लाइन से। अब आपको समझ में आ रहा है कि नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल से समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेबल मतलब ऐसी वैलेंसी जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लिगेंड के द्वारा कंप्लीट होती है, उस वैलेंसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता कहेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसी वैलेंसी जो नेगेटिव लिगेंड यानी ऋणात्मक लिगेंड के द्वारा पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, तो दोज वैलेंसी आर कंप्लीट बाय नेगेटिव लिगेंड, इट्स कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। यानी प्राथमिक संयोजकता वह संयोजकता होती है जो नेगेटिव लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होती है। हमने नेगेटिव लिगेंड की तरफ चले तो कौन कौन से होते हैं, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, ठीक है, एसओ फोर टू नेगेटिव, एनओ थ्री सिंगल नेगेटिव, यानी जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ऐसे लिगेंड के द्वारा जो सेटिस्फाई होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीय संयोजकता। ऐसी वैलेंसी जो नेगेटिव लिगेंड यानी ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड यानी पॉजिटिव लिगेंड, और जो न्यूट्रल यानी कि उदासीन लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो ऐसी वैलेंसी जो ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड के द्वारा पूर्ण होती है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, उस हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। क्लियर है ना। तो नेगेटिव लिगेंड तो हमने देख लिए, पॉजिटिव लिगेंड कल हमने पढ़े भी थे, पढ़े थे ना इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या बनाए थे पॉजिटिव लिगेंड, कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, है ना, एनओ थ्री पॉजिटिव लिख दिया था, सॉरी एनओ टू पॉजिटिव लिखा था, बी आर पॉजिटिव लिख दिया था, एच पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में हमने पढ़ा था एच टू ओ एक्वा, एन एच थ्री अने एमीन, सी ओ और एनओ। क्लियर है ना, उसको दोनों बोलना पड़ेगा। यदि नेगेटिव कहीं पे आ जाए, भी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल, यदि कहीं पर नेगेटिव आ गया तो उसको प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे, मतलब प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता दोनों कहेंगे उसको हम लोग। हाँ दोनों की बात होगी, अभी तो बैठो। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें, ये इतना पूरा नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम इसमें बात करते कुछ एग्जांपल लेते और फिर समझते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन से कंपाउंड में कौन सी वैलेंसी होगी। हटा इसको, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेके। हमने एक पहला एग्जाम्पल ले लिया सीओ एन एस थ्री सिक्स सी एल थ्री, मैं तीन एग्जाम्पल लूंगा, तीनों से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सीओ एन एस थ्री, वन बाय वन नोट करना, मैं तो एक साथ बताऊंगा इसलिए ना, Cl, Cl2, ये दो एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, मतलब जो किससे सेटिस्फाई हो रही हो, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता और न्यूट्रल भी हो सकता। अब हम कहेंगे कि इस कोबाल्ट से टोटल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, छह, तो NH3 है और तीन सीएल इसके बाहर जुड़े हुए हैं। तो देखो हमने कहा कि सेंट्रल एटम हमारे पास में क्या हो गया, कोबाल्ट, क्लियर है। अब कितने NH3 है, तो छह, तो एक दो तीन चार पांच और छह NH3 हो गए, तो अब छह ही तरफ NH3 लिख दो। खास बात आपने देखी, हमने इन छह ही NH3 के साथ में सॉलिड लाइन बनाई है,
क्लियर है, मतलब कि हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। यानी जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिखाई दे रही ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी। इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो बैठी हुई है वो कौन है? प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता। इस बड़े कोष्टक के अंदर द्वितीयक संयोजकता और बड़े कोष्टक के बाहर जो बैठी हुई है वो प्राथमिक संयोजकता। तो आप क्या करो, कितना सीएल है? तो एक सीएल, ठीक है, दो सीएल और तीन सीएल। आ गया समझ में? हमने देखो NH3 को सॉलिड लाइन से और सीएल को डॉटेड लाइन से बताया। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। हमने यहां पर लिखा कोबाल्ट। अब NH3 कितने? तो एक दो तीन चार पांच और छह आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। छह ही NH3 में हमने सॉलिड लाइन बना दी, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि ये तो अमोनिया जो है या एमीन है, ये कौन सी वैलेंसी हो गई? सेकेंडरी यानी द्वितीयक संयोजकता हो गई। अब देखो एक सीएल इसके साथ अटैच है तो हम इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने क्या कहा था कि नेगेटिव लिगेंड जो है, नेगेटिव लिगेंड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करेगा और सेकेंडरी भी करेगा। कब? जब वो इस कोष्टक के अंदर हो। तो अब हमने डॉटिंग सॉलिड लाइन बनाई, इसी के साथ क्या बना सकते हैं? अब हम डॉटेड लाइन को भी रिप्रेजेंट करना। आ रहा समझ में? उसके बाद में सीएल बार कितने? दो। तो दोनों के लिए हम क्या कर देंगे? डॉटेड लाइन बना देंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो बड़े कोष्टक के अंदर यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सीएल बैठा हुआ है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों संयोजकता को प्रदर्शित करता है। बना लो इसको, वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखोगे कि इसका नाम लिख देना हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें एमीन या NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीएल है प्राथमिक वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे वाले उदाहरण में NH3 सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो सीएल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को रिप्रेजेंट करता है और ब्रैकेट के बाहर जो क्लोरो ग्रुप है या क्लोराइड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट। इसका नाम नहीं आएगा, देखो कल जो मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, इसका नाम होगा, यहाँ कितना लिखा हुआ? छे। तो छे के लिए आ जाएगा हेक्सा। NH3 को आप बोलोगे एमीन, ठीक है। CO को आप बोलोगे कोबाल्ट, ठीक है। अब यहाँ Cl3 नेगेटिव, Cl पे एक माइनस होता है, कितने Cl है? तीन। तो तीन माइनस हो गए तो ये कितना प्लस हो जाएगा? तीन। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। इसके ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हम इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इसका नाम क्या लिख दोगे? ओनली क्लोराइड। इसका नाम लिखें तो हेक्साएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी वर्नर का उपसहसंयोजक सिद्धांत। और एग्जांपल देखे इसमें ये बहुत है, समझ में आ गया? देखो और एग्जांपल बनाकर देख सकते हैं इसमें, ये जगह भी इधर और एक और एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। सीओ एन एस थ्री फोर सी एल थ्री, ठीक है। अब सब सीएल को हमने कहा डाल दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर, इसको तीन कर देते हैं, ये समझ में और जल्दी आ जाएगा। कोबाल्ट एन एस थ्री कितने? एक दो तीन। Cl, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, ठीक है ना। तो नेगेटिव का मतलब प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हो गई, ये हो गया हमारा। तो इस पर आप देखो सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बोलते हैं वर्नर्स का उपसहसंयोजक सिद्धांत।